तो दोस्तों, आप सभी ने आलू के पराठे तो बहुत खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को बिना आटे गूथे और बिना बेले एक ऐसा तरीका लाई हूँ जिसे आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही झटपट बन के तैयार होंगे आलू के पराठे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इससे पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो देखिए, देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो एक बाउल ले लेंगे हम। एक बाउल में हम लेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा लेने के बाद हम इसमें लेंगे आधी कटोरी सूजी। उसी कटोरी से नाप के लेंगे आधी कटोरी सूजी और फिर आधी चम्मच कश्मीरी मिर्ची, एक मिर्ची बारीक कटी हुई। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये आलू के पराठे इस तरीके से बनाने के लिए, अगर आप बनाएंगे तो अपने घर पे। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर हम इसमें बढ़िया सा पानी डाल के धीरे धीरे घोल टाइप का रेडी कर लेंगे। तो धीरे धीरे पानी डालना है और ये रेसिपी उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो आटा नहीं गूंथ पाते हैं। कई लोग होते हैं जो आटा नहीं गूंथ पाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो आटा गूंथने में उनको बहुत ही परेशानी होती है। तो ऐसे अगर वो आलू का पराठा बनाएंगे ना तो आटा गूंथने की झंझट, और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाते हैं और वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे हम आलू का पराठा आटे गूंथ के लगाते हैं। अब हमारा ये बैटर रेडी है, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम देख लेंगे कैसा बैटर चाहिए हमें। ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमें बैटर चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब बना लेते हैं अपनी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बॉइल आलू ले लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद हम आलूओं को अच्छे से फोड़ लेंगे। तो यहाँ आलू मैंने अच्छे से फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें कुछ बढ़िया से मसाले डालेंगे। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधी चम्मच सौंफ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये गरम मसाला आधी चम्मच, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई एक, और फिर इसमें बारीक कटा हुआ हम धनिया डाल देंगे और बढ़िया सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हमारी बढ़िया सी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी। तो स्टफिंग भी हमने झटपट बना के रेडी कर ली है, इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और आप अगर आप ऐसे आलू के पराठे बनाएंगे ना तो पुराना तरीका भूल जाएंगे और इसी तरीके के को अपनाएंगे। तो तवा रख दिया है, तवे पे मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद इसको मैं पोंछ लूँगी जिससे हमारा तवा है जो अच्छे से चिकना हो जाएगा। और इसको बढ़िया सा पोंछ लेंगे हम। अब इसके बाद हम अपना बैटर डालेंगे और अपना पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको फैलाते समय आप मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था, तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे फैलाया है। इस टाइम पे ये फैला दिया मेरा और कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था दोस्तों। तो इसको मैंने पहले तो फैला लिया है, जैसे हम रोटी फैला लेते हैं ना, ऐसे हमने इसको फैला लिया है। अब साइड्स में इसलिए मैं ऑयल डाल दूँगी और पलट लेते हैं इसको, तो झटपट ये बढ़िया तरीके से पलट जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पलट जाएगा। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेक लेंगे इसको। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए दूसरी साइड भी ये रोटी जैसा सेक के रेडी हो गया है। तो इसको अब हम उठा लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं साइड में। तो चलिए, ये देखिए पहला तो सिक गया है, दूसरा भी हम ऐसे फैलाएंगे। देखिए, पहला मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो दूसरी बार में हमें इसको कुछ ऐसे फैलाना है तो बहुत ही ईजी तरीके से ये ऐसे फैल जाएगा। जैसे हम रोटी फैलाते हैं, बैटर डालते हैं ना, तो ये आराम से फैल जाएगा। तो हमें ऐसे फैला लेना है और इसको भी सेक लेंगे। और ये देखिए, पलटती हूँ उसको, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दूसरी साइड भी सेक लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना आलू की, उस पर हम इस पर लगा देंगे स्टफिंग को और चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे आलू की स्टफिंग को। तो यहाँ पर अच्छे से फैला लिए मैंने। और जो मैंने पहले रोटी बनाई थी ना, उसको हम ऊपर से रख के इसको बग साइड से ऐसे दबा देंगे, जिससे ये हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सेफ हो जाएगा। तो देखिए, है ना, बिल्कुल ना तो हमें आटा गूंथने का झंझट, ना तो बेलने का झंझट। अब इसमें हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। अब आपकी पसंद है, इस पर आप घी भी लगा सकती हैं। अब इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे ऑयल लगा के। तो इसे इस तरीके से दबा दबा के हम सेक लेंगे, इससे क्या होगा, हमारा पराठा क्रिस्पी बनेगा। ऐसे दबा दबा के सेकेंगे ना तो पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। दूसरी साइड भी हमने तेल लगा लिया है। तो ये देखिए, दबा दबा के मैंने पराठे को सेका है, तो कितना क्रिस्पी सेका है आपको भी अलग दिख रहा होगा।
ये देखिए पहला हमारा पराठा बनके रेडी है। अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, अगर आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, उसे हम घोल में डाल देंगे, अपने आटे के घोल में डाल देंगे स्टफिंग को, आलू की स्टफिंग को, और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और जो हमने पैन रखा था उस पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद और ये अपना घोल हम इसमें पैन में फैला लेंगे, तो बहुत ही ईजी तरीके से ये फैल जाएगा। आसानी से इसको हम फैला लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है, यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही बढ़िया बनता है ऐसे आलू का पराठा। अब ये हम इसको भी सेक लेते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए ये भी दोनों साइड से सिक के रेडी हो गए हैं। तो ये हमारे दो तरीके के नए तरीके से आलू के पराठे बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। आपको भी अलग ही दिख रहा होगा देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये मेरा दो तरीके के मैंने आलू के पराठे बना के रेडी किए हैं, और बहुत ही ये वाला तो बहुत ही सॉफ्ट बना है, और ये वाला भी बहुत ही क्रिस्पी बना है। ऊपर से मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है, सेका था इसको। तो देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये अंदर से देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया है। कितना बढ़िया हमारा आलू के पराठे बन के रेडी हो गए हैं दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।